गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू एन एक्टिविटी इत वो टर्म टू बुक फर्स्ट लेसन एक्टिविटी दा सो इत वो पाती इट इज देयर इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ टर्म टू बुक टॉपिक वो पाती हीट एंड टेंपरेचर सो उंगलुक्कला इन्नो सेकंड टर्मो बुक्स कडच्चिरुक्कादु सो अदनाल वंदु इन्नैक्कु वंदु नम्म सिल एक्टिविटी पण्णि पार्क्कलाम हीट रिलेटेडान एक्टिविटीस सो एक्टिविटी वन पारुंगा इंद एक्टिविटीक्कु ओरु ग्लास बॉटल ओन्नु वेणुम अंद ग्लास बॉटलुक्कु पोरुंदुर मारियान ओरु रब्बर कॉर्क वेणुम अप्पुरम ओरु एम्टी रीफिल अदावदु नम्म पेन्न यूस पण्ण पेन्ल पेन्ने यूस पड़क रीफिल वो इंक एमटिया अंतमी और रीफिल अदको वाटर कलर और कैंडल अपर फोकर फोक पावल और ग्लास बाटिल एटे अदावर कलर वाटर उल पड़िड़ें फिल पड़े वो रबर कॉर्क मूडिड़ें मूड़े रबर कॉर्क नर हॉल पटें हॉल पटे अीफिल मादी अलियान रीफिलिया अब वे एड़ो अीफिल मट इंसट पड़ूंग इंसट पड़ोने अब बाटिल कलर लिक्विड वो रीफिल मेल वर सो एव्वलो दूरम रीफिल वंदिरुक्कुन्रदु ओरु स्केल वच्चु मेजर पण्णिक्कोंगा ओरु स्केल रूलर वच्चुकोंगा वच्चिट्टु इंद बॉटलोड कॉर्क अदावदु इंद रीफिल वंदु बॉटल कॉर्क मेल इरुन्दु स्टार्ट आगुदिल्लैया अंग इरुन्दु एव्वलो दूरत्तुक्कु रीफिल इंद कलर वाटर वंदिरुक्कुन्रदु मेजर पण्णिक्कोंगा मेजर पण्णिक्किट्टु नेक्स्ट एन्न पण्णुंगा अंद बॉटल कलर वाटर इरुक्कुर बॉटल वंदु ओरु कैंडल वच्चु हीट पण्णुंगा बॉटल वंदु पिडिच्चुकोंगा पिडिच्चिट्टु हीट पण्णुंगा हीट பண்ணும்போது இந்த ரீஃபில்ல இருக்கிற அந்த கலர் வாட்டரோட லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகும் சோ ரைஸ் ஆனப்புறம் எவ்வளவு மெஷர்மென்ட் வந்திருக்குன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க சோ இது வந்து பேசிக்கா என்ன இதில இருந்து நமக்கு தெரியுது அப்படினு சொன்னா ஒரு லிக்விட வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட இந்த ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம லெசனை வந்து படிக்கும் போது இந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம முன்னாடியே பண்ணிட்டோன்னா நம்ம லெசன் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டியை வீட்டில் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு என்ன ரெக்கார்டிங்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத எழுதி அனுப்புங்க எதனால் முன்னாடி ரீஃபில்ல கம்மியான அளவு வாட்டர் இருந்தது ஹீட் பண்ண அப்புறம் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு உங்களுக்கே புரியும் அதாவது ஹீட் அப்ளை பண்ணும்போது எல்லா மெட்டீரியலும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள்